सो माइंडफुल, वो भी सनफ्लावर्स। आई एम प्रिटी श्योर लोगों को लग रहा होगा कि हम लेस्बियन है। ये मत कहना कि मिनीसो जाके एक ऑर्गेनाइजर का डब्बा क्यों उठा के लाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग मैं सेम आउटफिट, सेम पिन, सेम पोजिशन में क्यों हूँ, इट्स बिकॉज मैं सेम दिन पे शूट कर रही हूँ। मिनीसो भी गई थी और मेरे पास पहले का भी कुछ सामान दिखाना है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो अब मैं वो बताऊँगी। तो क्या हुआ, मैं अपने बर्थडे पे ना घर गई हुई थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ रहती है, तो वो मुझे ऐसा ट्रीट नहीं कर पाई थी बर्थडे पर। वैसे ट्रीट तो मुझे देनी थी, एज एन गिफ्ट नहीं दे पाई थी। एंड शी वाज लाइक, तुझे शायद मेरी चॉइस ना पसंद आए तो मेरे साथ मिनीसो चलना है, जो तुझे जो भी चाहिए, जो भी अच्छा लगे वो तो लेना है। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया, एक्चुअली इट वाज सो माइंडफुल। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने मिनीसो के लिए अपने आसपास वाला कोई नहीं चूज़ करा, मैंने DLF मिनीसो चूज़ करा, क्योंकि दैट इज़ पिंक थीम्ड। एंड अगर आप मुझे अभी तक लाइक आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मे बी यू नो कि मैं पिंक ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ी ज़्यादा ही, तो इसीलिए मुझे वहीं जाना था। तो DLF बहुत ही दूर है यहाँ से। एंड मैं मेट्रो में बैठी, एंड इसके नेक्स्ट वाले स्टॉप पर वो आई, एंड शी केम इन विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स, वो भी सनफ्लावर्स। मुझे इतना अच्छा लगा, पूरी मेट्रो में हर कोई मुझे देख रहा था। एंड इतनी अटेंशन जब मिलती है ना पब्लिक में, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, मैं बहुत ही खुश होता हूँ। आई एम प्रिटी श्योर लोगों को लग रहा होगा कि हम लेस्बियन हैं, क्योंकि ऐसे हम साथ में बैठे, वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई, मैं इतने ऐसे क्यूट सी तैयार होके आई हुई थी, वो भी प्यारी सी बन के आई हुई थी। इट फेल्ट लाइक अ डेट, इट वाज काइंड ऑफ अ डेट। तो हम मिनीसो गए, तो अब मैं फाइनली हॉल दे देती हूँ मैंने क्या चीज़ें ली। पहली चीज़ ये थी, एक क्यूट सा सिपर और टम्बलर काइंड ऑफ, ये था 230 का। दूसरी जो चीज़ ली मैंने वो ये थी, दिस पिंक कलर का ऑर्गेनाइज़र। मैंने ये देखा एंड दिस वाज स्क्रीमिंग माय नेम। अब ये मत कहना कि मिनीसो जाके एक ऑर्गेनाइज़र का डब्बा क्यों उठा के लाई है। दिस इज़ जस्ट माय वाइब, ओके। और इसमें मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर नहीं, मतलब जो भी मेरे पास ऐसे मिनीज और एक्स्ट्राज या फिर जो भी चीज़ें ऐसे क्लटर्ड सारी पड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों ऐसे सेट करके रख लो, इन छोटू छोटू को कहाँ रखो, जगह चाहिए ना उनके लिए भी। एंड तीसरी चीज़ मैं ये ली, ओ सॉरी, ये 200 का बाय द वे। और ये जेल आई मास्क है, इसको फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे लगा के सो जाते हैं। ये भी 200 रुपीज़ का है। एंड इसमें एक दो और भी कलर्स भी थे, डिज़ाइंस भी थे। यू कैन चूज़ वट एवर यू लाइक। तो हाँ, ये तीन चीज़ें ली मैंने। और उसके बाद, मतलब मैंने नहीं ली, उसने मुझे दिलाई। और उसके बाद जब हम कैफ़े गए थे वहाँ पर, क्योंकि बहुत थक चुके थे, मैंने उसे बहुत इधर उधर घुमाया। उसके बाद हम फाइनली जब थक हार के कैफ़े में बैठे, शी गिफ्टेड मी अनदर थिंग एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। हम एक दूसरे को चीज़ें भेजते रहते हैं कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कब से चाहिए था, मुझे ये चाहिए चाहिए। तो मैं उसी में मैंने एक चीज़ उसको ये भी भेजी थी एंड शी गॉट इट फॉर मी। लेट मी टेल यू, ये अभी नया लॉन्च हुआ है द स्किन डाइट कंपनी, ये बहुत टाइम से नहीं है। एंड अभी इसके प्रोडक्ट्स पे कहीं से कहीं तक भी डिस्काउंट नहीं है। यानी 5 ml शी बॉट इट फॉर 700 रुपीज़। अब मुझे इसका प्राइस कैसे पता है, क्योंकि मेरी तो इस पर पहले से ही नज़रें थी। मैं खुश बहुत थी। आई वॉज लाइक, मैं इसको, एक तो इसकी आवाज़ दिखाऊंगी। इतनी सैटिस्फाइंग, इतनी प्यारी आवाज़। एंड लुक एट द वॉन्ड, इतना थिक, इतना प्यारा, इतना ये एकदम ऐसे जली जैसा पिंक है ना। Smells like a candy. I was genuinely so happy. She made my day so special. Bouquet पकड़ा हुआ था, everybody was cheering. I was like, I know I look pretty. So yeah, this was very nice and I am so grateful and thankful. अपने बर्थडे के सारे गिफ्ट जो भी मेरे मम्मी पापा ने, दीदी ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, ये जिसका मैं हॉल कर रही हूँ, जिसने ये सब दिलाया, आई एम सुपर ग्रेटफुल। एंड नॉट जस्ट फॉर द गिफ्ट, जिसने भी मुझे ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू सो मच, लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इस बार मेरी बर्थडे भी बहुत अच्छी गई। थैंक यू सो मच टू एवरी वन फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। एंड उस दिन मुझे ये भी मिला, तो उसके भैया ने भी मुझे ये दिया था, एक अगेन अ लिप प्रोडक्ट। आई लव लिप प्रोडक्ट्स। ये एक PH ग्लॉस है सुपर प्रिटी। इसके अंदर छोटे छोटे स्पार्कल्स के पीसेस भी हैं। लुक, दिस इज़ सो क्यूट, लाइक वाओ दैट इज़ सो थॉटफुल। आई डेंट इवन केयर एट दैट पॉइंट कि है क्या वो चीज़, बस मेरे लिए सोचा है। आई वॉज लाइक सो हैप्पी उसी चीज़ से, क्योंकि लाइक किसी का थॉट भी ना कि कोई किसी चीज़ को देख के उनको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग सकती है एंड ली, तो दैट इज़ अ वेरी थॉटफुल थिंग, वेरी माइंडफुल, वेरी डिम्योर। वो वाला दिन का हॉल हो गया। अब मैं जो उस वीडियो में बता रही थी कि मैं मिनीसो से लेके आई हूँ, मैं वो दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया ऑनेस्टली। ये मैंने फेशियल टिश्यूज़ लिए दो। व्हाई इज इट सो हार्ड टू ओपन? बस ये वो करने के लिए है, और ये बहुत ही पतले हैं। आई डेंट नो कि ये ऐसा होगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ये भी जो मिनीसो के आते हैं ना पैक ऑफ 12 समथिंग करके, तो लगा कि ऐसा थोड़ा बड़ा सा होगा, बट ये ऐसा है नहीं। इफ़ यू फील लाइक यू नीड दिस, तो मैंने इसका खुलासा कर दिया आपके सामने। दिस इज़ वेरी हटना दिस इज़ वेरी थिन पीस ऑफ पेपर। सो ये 70 का है एंड लग 70 कम रहे हैं, बट ये आई थिंक 120 या 150 का पैक ऑफ 12 में जाता है, विच इज़ लाइक मच ग्रेटर डील। आई वुडंट सजेस्ट कि आप ये लो, इसकी जगह आप ये वाली चीज़ ले सकते हो, क्योंकि मैंने आज तक इसको देखा नहीं था कि ये एक्चुअली है कैसा। तो अब मैंने दिखा दिया, तो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू गेट दिस और नॉट। और मैंने एक और जो चीज़ ली वो बाय द वे, हाँ मैंने बताया 70 का ये लिया, हाई रेनबो एयर फ्रेशनर। I'm gonna keep this in bathroom। ये है 170 रुपीज़ का। एंड यहाँ पर ही हमारा मिनीसो का हॉल ख़त्म होता है, एंड मेरे आज की यापिंग भी ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप कमिंग बैक टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।